देश के मुखिया के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने की उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पटरी पार पहुंच वार्ड के लोगों के साथ बैठकर मन की बात सुनी। दुर्ग के कैलाश नगर में एलईडी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन रविवार को दुर्ग के कैलाश नगर में किया गया, जहां आम नागरिकों के साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का श्रवण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों और उनके मार्गदर्शन पर सेवा भाव के कार्य करने के प्रेरित करते हुए मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का असफलतम 8 वर्ष पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है, जो उनके देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। इस दौरान दुर्ग के पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जन सेवा और समर्पण का शानदार 8 साल, आज इस समय हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और जनसेवा और समर्पण के शानदार 8 साल के अवसर पर भारत की जनता के साथ में भारत के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता उसे सुनने के लिए एकत्रित होता है। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो मन की बात और यथार्थ के धरातल पर अपने अनुभवों से या ऐसे कामों को वो अंजाम देते हैं जिससे कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में, भारत की संस्कृति के विषय पर और आस्थाओं के विषयों को वो और भी सबल करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास बहुत सफल रहा है और प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से जिन विषयों को रखते हैं, कार्यकर्ता ही नहीं भारत की जनता भी उत्साहित होती है और उन बातों को ध्यान से सुनती है, अमल में लाती है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री जी पुरजोर कोशिश के बाद अब उसका परिणाम दिखाई देता है। जनसेवा और समर्पण का 8 वर्षों का ये अभियान अब हम लोगों को पूर्णता की ओर दिखाई देता है। पूरी तौर पर दोनों हाथों से भारत की जनता देश के प्रधानमंत्री जी को, उनके कार्यकाल को आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद में ही हम मानते हैं कि भारत की जनता की भलाई भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।